Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. घर पे तो हम पूरा चैप्टर लर्न करते और एग्जाम में जाते तब तक सारा भूल जाते हैं। वो भूल क्यों जाते हैं? ठीक है, क्योंकि जब हम घर पे चैप्टर लर्न कर रहे थे तब हम बड़ी हड़बड़ी में आ जाते हैं, और जब एग्जाम सामने होता है और कोर्स बहुत सारा होता है तो हमें लगता है ये भी डाल दूँ, ये भी डाल दूँ, वो भी डाल दूँ, दिमाग में सब डाल देते हैं। और जब डेस्कटॉप पे बहुत सारी फाइल्स खोल के रखोगे तो क्या होगा, फिर कोई कोई फाइल तो करप्ट हो ही जाएगी ना कहीं तो गलत तरीके से बटन दब ही जाएगा। तो ऐसे ही माइंड रूपी कंप्यूटर के डेस्कटॉप को जरा क्लियर रखा करो, साफ रखा करो, बहुत सारी फाइल्स एक साथ मत डालो। अब इसके लिए क्या उपाय करो कि केवल एग्जाम के दिन के लिए बहुत सारा सिलेबस कभी मत रखो, सब कुछ पहले से ही पढ़ करके याद करके पूरा तैयार करके रखो, केवल फिनिशिंग टच लास्ट में देना है। ठीक है, तो सब चीज़ें पहले से होनी चाहिए। कई लोगों को आदत होती है कि जब एग्ज़ाम आएंगे, जब डेट डिक्लेयर हो जाएगी तब किताबें खोलेंगे। तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम तो छोटे से तुम तो रोज़ रेगुलर पढ़ते हो, लेकिन फिर भी हर चीज़ पहले से तैयार करो ताकि एकदम बाद में हड़बड़ी ना होवे। उसके बाद में जब पढ़ लेते हो ना, मैंने अभी एक बताया कि पढ़ने के बाद आंखें बंद करके रिमाइंड करो क्या क्या पढ़ा। हर चीज़ को अपने माइंड के खानों में तुम सेट करो ताकि तुम्हारी चीज़ें गड़बड़ी ना होवे। उसके बाद एक और गलती कई बच्चे करते हैं कि पढ़ लेने के तुरंत बाद भी बोलते हैं पढ़ा तो है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पढ़ा तो है कहीं भूल ना जाऊं, मैं हर बार भूलता ही जाऊं। अब ये आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आप पर वर्क करता है और आप भूल जाते हो, इसीलिए ऐसा ना सोचो ना बोलो। और फिर प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें फ़ोन करके पूछती है अरे तुझे याद हो गया, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया? अरे नहीं नहीं अभी कहाँ किया है, जबकि आप कर चुके हो। वो थोड़ा ना बोलने की आदत होती है, अभी कहाँ, अभी तक तो कुछ नहीं किया, अभी तक तो खाली एक बार पढ़ा है। तो थोड़ा झूठ बोलने की भी कई लोगों में आदत होती है, तुम्हारे में नहीं होगी, जब तुम बड़े बच्चे हो जाते ना थोड़े उनमें आदत होती है, अभी तुम तो छोटे हो तो बहुत क्लियर हो, इतना झूठ वूठ नहीं बोलते हो। फिर क्या होता है जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो पेपर देखते ही इम्पेशेंट हो जाते हो, क्वेश्चन पूरा पढ़े ही नहीं उसके पहले आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और कई बच्चे ये गड़बड़ी करते हैं, कैसे पूछा गया कहाँ का जवाब दे आते हैं, कहाँ पूछा गया तो क्यों का जवाब दे आते, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही ढंग से नहीं पढ़ते और फिर यहाँ मार्क्स कट जाते। इसीलिए जैसा सवाल पूछा गया पहले इत्मीनान से पेपर पढ़ो। इसके लिए क्या कहते हैं कि पेपर हाथ में आ जाए तो नमोकार मंत्र गिन के फिर पढ़ना स्टार्ट करो, शांति से, विश्वास के साथ। ठीक है, फिर अपने अंदर विश्वास डालो कि मुझे सब आता है, मैं सबका आंसर दे सकती हूँ। क्योंकि अगर अभी नहीं भी पढ़ा तो पहले तो पढ़ा ही है, और अभी नहीं भी याद किया है, रिपीट नहीं किया तो भी पहले तो सुना तो है ना, और क्लास में अच्छे से सुनो क्योंकि सुनी बातें अंदर जाती जाती है। और फिर शांति से रहोगे तो ऑटोमेटिकली याद आएगा। लेकिन जरा एक बार याद नहीं आया और आपने मन में 10 बार बोल दिया आया नहीं, आएगा नहीं, मुश्किल है, भूल गई, मन में बोला, अब आना मुश्किल हो जाएगा। याद नहीं आया तो कब आएगा, कहीं पढ़ा है, मेरा ब्रेन वर्क कर रहा है, मुझे याद दिला रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा है, कहीं लिखा है, कहीं देखा है, इसका आंसर क्या है, याद आएगा, आएगा। शांति से, उतावलेपन में जाओगे तो सब भूल जाओगे। शांति से अपने मन को विश्वास के साथ कहो याद आएगा, आ जाएगा। ठीक है, जय हो।